व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। पिक्चर देखिए कितनी शानदार है। यहाँ पे दो चीजों में डिफरेंस दिखाने की कोशिश की गई है। एक साइड में हो गया बॉस और दूसरी साइड में हो गया लीडर। अगर दोनों पिक्चरों को आप ऑब्जर्व करो ढंग से तो यहाँ पे मिशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों साइड में मिशन को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे जो है वो लीडर भी इनके साथ में मिले हुए हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे बॉस है कि ऊपर बैठे हुए हैं चेयर डाल के। तो ये ओनली डायरेक्ट कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ऐसे करो ऐसे करो, ऊपर से वेट भी डाल रखा है मिशन के ऊपर। तो हमेशा जो बॉस काम करता है वो हमेशा मिशन पे एक तरीके से हर्डल का काम करता है, ज्यादा उस तरीके से वर्क नहीं करता है जिस तरीके से मिशन को बहुत अच्छे लेवल में आगे ले जाया जा सके। पर लेकिन जो लीडर है वो यहाँ से वेट हटके और यहाँ पे आ गया। ये देखिए मतलब अब मिशन कितने अच्छे से आगे जाएगा। यहाँ से भी वेट हट गया, ऊपर से और अच्छे से काम कर रहा है इनके साथ में मिलके, तो डबल काम हो गया यहाँ पे। यही एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि अपने जो जितने भी कलीग है उनके नीचे काम करते हैं, जितने भी मतलब एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर है नीचे काम करते हैं, तो उन्होंने उनको क्या बोला है, अगर आप 8 घंटे काम करेंगे तो मैं 12 घंटे काम करूंगा, आप 12 घंटे काम करेंगे तो मैं 16 घंटे काम करूंगा। तो ये होती है लीडरशिप की क्वालिटी। आपने फेसबुक भी काफी बंदे चलाते होंगे, तो फेसबुक के जो फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग, अगर आप लोगों ने कभी पिक्चर देखी हो या फिर कोई वीडियो देखी हो जिनमें उनके ऑफिस का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, तो वहां पे बिल्कुल ऐसे वर्क करते हैं जैसे कि फैमिली के मेंबर रह रहे हो आपस में मिलजुल के, उस तरीके से वर्क करते हैं। कोई बॉस वाली क्वालिटी दिखती नहीं है, एक दूसरे से उस तरीके से मजाक करते रहते हैं, बिल्कुल इंजॉय इंजॉय मतलब इंजॉय करते करते वर्क करते हैं एक तरीके से देखा जाए। तो आप जिस भी वर्क को इंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे और एक डिफरेंस खत्म हो जाएगा बॉस में और कल जो बॉस और कलीग बन के चलते हैं वो वाला डिफरेंस खत्म हो जाएगा। जब भी एक लीडर बन जाओगे तो हमेशा आपका जो मिशन है वो एक मतलब आप बोल सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ेगा, ठीक है ना। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, इस ग्रोथ से एकदम मिशन बढ़ेगा, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो इस ग्रोथ से प्राप्त कर पाएंगे। तो हमेशा लीडर बनने की कोशिश करें ना कि बॉस, ओके। तो फुल जोश और इंथुजियाज्म के साथ में हम आज नए महीने की स्टार्ट करते हैं। आज फर्स्ट ऑफ मे है, नया महीना और नया वीक, तो दोनों नया है और टाइम भी कम बचा है, इसलिए अब लग जाइए अच्छे से, ठीक है ना। अब बस कर डालिए, बहुत हो गया। अब आइए देखते हैं कौन कौन से हमको द हिंदू के आर्टिकल वगैरह डिस्कस करने हैं आज। ये वाला जो साइड में आर्टिकल दे रखा है, ये वाला इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में है, ठीक है। ये वाला आर्टिकल और इस वाले आर्टिकल को भी हम थोड़ा साथ में डिस्कस करेंगे, ये काफी श्रीलंका के बारे में है। तो ये वाले दोनों आर्टिकल हम दोनों साथ में देखेंगे, ठीक है। इसके साथ फिर ये वाला आर्टिकल कश्मीर इश्यू से रिलेटेड आर्टिकल है। आप लोग सभी जानते हैं कि कश्मीर में किस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है, तो इस आर्टिकल के एवज में अंडर आर्टिकल जो जिसके अंदर जम्मू कश्मीर पूरा वर्क करता है, तो उसको भी हम देखेंगे कि ये आर्टिकल क्या है और किस तरीके से वर्क करता है। हालांकि ज्यादा जिक्र नहीं है, थोड़ा हिस्ट्री भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा जो कि आर्टिकल में तो नहीं दे रखी है, पर हम लोग देखेंगे अच्छे से, ठीक है ना। ये वाला आर्टिकल रियल इस्टेट से, रियल इस्टेट एक्ट जो पास हुआ था अभी, जो कि घर बनाने के लिए आप बिल्डिंग वगैरह जो आप देखते हैं जो भी ये बनाई जाती है, तो हम लोग घर खरीदने जाते हैं पर लेकिन वादा दे दे के हमको मुकर जाते हैं, ठीक है ना। तो वादा करके निभाते नहीं है, तो जो उसके बारे में ये एक्ट पास हुआ था तो उसको इंप्लीमेंट करने की बारी अब आ गई है। तो उसी से रिलेटेड बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दे रखे हैं, इस वाले आर्टिकल को भी हम अच्छे से देखेंगे। ये वाला आर्टिकल यूएसए से रिलेटेड है। यूएसए में अभी एडमिनिस्ट्रेशन थोड़े रिफॉर्म करने की बात चल रही है, कई सारे टैक्स वगैरह कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह कट करने की बात चल रहे हैं, तो वो तो उनका इंटरनल मैटर हो गया। बस थोड़ा सा जो इम्पैक्ट पड़ता है देखिए वो मैं यहीं पे बता देता हूँ, जो कि आर्टिकल में तो नहीं दे रखा है। हालांकि यहाँ पे तो इनकी इंटरनल चीजें डिस्कस रखी है। देखिए होता क्या है, अगर मान लीजिए यूएसए जैसी कंट्री में रिफॉर्म हो रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो कि इंडिया में यहाँ पे एफआईआई है जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, इंडिया या डेवलपिंग कंट्री में उनको रिटर्न जब अच्छा मिलना दूसरी कंट्री में स्टार्ट हो जाएगा, तो वो यहाँ से इंडिया से हटके वो यहाँ पे जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस ये डिफरेंस होता है कि हमारे यहाँ पे जो मतलब फंड है उसकी कमी होनी स्टार्ट हो जाती है अगर यहाँ ऐसी कंट्रियों में रिफॉर्म होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि ब्राइट स्पॉट बोला गया है। और हम लोगों ने कल इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर भी डिस्कस किया है, ठीक है ना। इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर डिस्कस किया है, उसमें भी हम लोगों ने देखा किस तरीके से वर्ल्ड में और इंडिया में कंपेयर किया गया है वहां पे, तो किस तरीके से हमने तीन चीजों में वहां पे कंपेयर किया है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, टोटल फर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए जो भी बंदा गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो पब्लिक सर्विस कमीशन हो, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे एसएससी हो, और खासकर चाहे बैंकिंग हो, उसको इकोनॉमिक सर्वे करना ही करना चाहिए। तो इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर देखा करो, आपके माइंड में बहुत सारी क्लियरिटी हो जाएगी उनसे रिलेटेड। तो हमने कल बहुत अच्छे से डिस्कस किया है उस आर्टिकल को, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। पूरे इकोनॉमिक सर्वे के जितने भी आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं आज तक, जितने भी चैप्टर कंप्लीट किए हैं, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। 16 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं वहां पे, तो हो सके तो एक एक लेक्चर भी देखना स्टार्ट करेंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी आप लोगों के माइंड में। तो वहां पे वो चीजें हमने डिस्कस की है किस तरीके से इंडिया को वर्ल्ड के साथ में कंपेयर किया है, तो वो तो खैर अलग पार्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर इसकी इकोनॉमी अच्छी होने लगती है तो यहाँ से जो से कंट्री है दूसरी इंडिया जैसी हो गई या फिर कोई और कंट्री है, तो वहां से यहाँ पे जाने लगते हैं ये। तो इससे हमारे यहाँ पे
फंड की कमी होने लगती है, तो एक मेन इफेक्ट ये देखने को मिलता है, ठीक है ना। वैसे तो इनके इंटरनल पॉलिटिक्स है, क्या रिफॉर्म कर रहे हैं उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये वाला आर्टिकल तो वही होता है, मंडे का दिन आज रीडर वाला आर्टिकल रहता है। ये वाला आर्टिकल देखिए स्टैंड से रिलेटेड है, हम लोगों ने स्टैंड के एक आर्टिकल डिस्कस किया था फरवरी के महीने में। आप लोगों को अगर कुछ याद आ रहा होगा, ये पिक्चर देख के देखना कुछ याद आ रहा है क्या, ये वाला हम लोगों ने डिस्कस किया था उस टाइम पे, ये स्टेंट किस तरीके से होती है, हार्ट में किस तरीके से लगाई जाती है, तो वही सब यहाँ पे फिर से डिस्कस किया गया कि उस टाइम पे जो गवर्नमेंट ने क्या किया था, गवर्नमेंट ने इनके स्टेंट के प्राइस घटा दिए थे। तो प्राइस घटाने से आज की डेट में इंडस्ट्री पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है, इसको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये वाला आर्टिकल जो है ये ISI में कैसे बढ़ावा हो रहा है उससे रिलेटेड एक बुक लिखी गई है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, बस ये बुक का नाम याद रखिएगा, ठीक है। ये बुक लिखी गई है, ये है पैट्रिक कुकबर्न, इनके द्वारा बुक लिखी गई है, ये बुक का नाम है द राइज ऑफ इस्लामिक स्टेट ISI एंड द न्यू सुन्नी रिवॉल्यूशन। तो इस बुक का नाम आप लोग याद रख सकते हैं, इसका राइटर का नाम याद रख सकते हैं, और ये फर्स्ट इस तरीके की बुक है जो कि IS पे मतलब प्रोड्यूस इस तरीके से IS पे लिखी गई है, तो इन आंसरों का क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है, तो इस बुक का नाम आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके की बुक पूछ ली जाती है, खासकर आप जानते हैं कि ISIS का क्या फंडा चल रहा है आज की डेट में, कितने लार्ज स्केल पे मतलब उन्होंने टेररिज्म फैला रखा है पूरे वर्ल्ड में, तो इसलिए ये बुक का नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखने की कोशिश कीजिएगा। आइए आगे आप चलते हैं। कश्मीर में आप सभी लोग जानते हैं क्या खलबली मची हुई है आज की डेट में, तो वो जो खलबली मची हुई है उसका एक बेस कहाँ से निकल के आता है पहले एक बार देख लेते हैं हम लोग, फिर आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि चलता क्या है एक्चुअली इस वाले एरिया में और क्यों ऐसा हो रहा है। पहले तो एक बार मैप देख लीजिए, ये हो गया हमारा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पे ये टच करता है पंजाब को, टच करता है और हिमाचल प्रदेश को टच करता है, तो ये हो गया इसकी बाउंड्री। और जो ये वाला इतना वाला पोर्शन है ये पाकिस्तान के कंट्रोल में है, और ये वाला पोर्शन जो हमारा है वो चाइना के कंट्रोल में है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन हमारे पास है, हम इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं ओनली फिलहाल अभी, ठीक है ना। तो जो ये वाला पोर्शन है इसमें खलबली मची हुई है यहाँ पे, तो इस वाले पोर्शन का देखिए हिस्ट्री क्या है थोड़ा सा आप लोग वो देख लीजिए। पहले 1947 में जो है हमारा देश आजाद हुआ, तो हमारा देश आजाद हुआ तो उस टाइम पे एक डॉक्यूमेंट था, ठीक है ना। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। उस पे सब स्टेटों को साइन करने थे, और उस पे साइन करने का मतलब है कि जो भी स्टेट है उस टाइम पे, बहुत सारे स्टेट थे अलग अलग, अब तो रीऑर्गेनाइजेशन होके सारे चेंज हो गए हैं, तो उस टाइम पे जो भी स्टेट थे उनको क्या करना था, इंडिया जो एक गवर्नमेंट बनाने जा रही है, एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाने जा रही है, एक इंडिया इंडिपेंडेंट स्टेट, या आप लोग बोल सकते हैं स्टेट बोला जाएगा अगर हम इसको रेफरेंस में देखा जाए बहुत सारी कंट्री हो गए, वरना हम इसको नेशन बोलेंगे। तो उसको बनाने के लिए सब स्टेटों को इसमें आके मिलने के लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन करना था, पर लेकिन उस टाइम पे जो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे जो जम्मू कश्मीर के महाराज हरि सिंह, तो उन्होंने क्या किया, हरि सिंह जी का मानना ये था कि ना तो मुझे पाकिस्तान में जाना है, यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, और ना मुझे इंडिया में मिलना है। उनका कहीं ना कहीं मकसद था कि वो इंडिपेंडेंट रहना, पर लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल था कि दो मतलब दो ताकतवर देशों के बीच में एक मतलब एक स्टेट ओनली वो इंडिपेंडेंट रह सके। तो जब तक इनका बन पना तब तक बना रहा, पर लेकिन फिर क्या हुआ, आजाद कश्मीर फोर्स के नाम से जो पाकिस्तान के द्वारा सपोर्ट की गई थी उनको एक तरीके से इनफिल्ट्रेटर बोल सकते हैं आप, यहाँ पे भेज दिया गया जम्मू और कश्मीर वाले एरिया में भेज दिया गया। तो उन्होंने वहां पे खूब लूट मार मचाई, बहुत ही हद तक वो गिर गए यहाँ पे। आप बारामूला एपिसोड के बारे में अगर देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, उसके बारे में कई सारी वीडियो भी पड़े हुए हैं। देखिए जो टेररिस्ट होते हैं ना उनका कोई रिलीजन नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे बोलते हैं कि मुस्लिम टेररिस्ट है, ये मुस्लिम अगर टेररिस्ट अगर मुस्लिम होते ये तो मतलब देखो मुस्लिम एक रिलीजन, अच्छा रिलीजन है, वहां पे एक बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं, उसको कभी भी रिलीजन गंदा नहीं होता है, उसको लोग गंदा बनाते हैं, उस प्रवृत्ति के जो आदमी उसमें घुसाते हैं वो गंदा बनाते हैं। अगर ये अपने आप को मुस्लिम बोलते हैं तो इन्होंने यहाँ पे आके मुस्लिम जो यहाँ पे रहते हैं मुस्लिम महिलाओं का ही रेप किया यहाँ पे आके, तो किधर से ये रिलीजन में मुस्लिम हो गए। तो टेररिस्ट का इसलिए कोई भी धर्म नहीं होता है, तो इस तरीके की कंडीशन इन्होंने फैलाई। और फिर जाकर महाराजा जो हरि सिंह थे उन्होंने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसोसिएशन साइन किया, और वो एसोसिएशन साइन करने के बाद में वो इंडिया में मिल गए। तो वो तो इंडिया में मिल गए, पर लेकिन जो इतना जो ये पोर्शन रह गया उस टाइम पे जो इन्फिल्ट्रेटर आए थे जो भी आए थे, तो इतना पोर्शन ये आज की डेट तक भी इनके अंडर में है, पाकिस्तान के अंडर में है, ठीक है ना। सीज फायर की वजह से वो दूसरी स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी अगर वो सब बताने बैठूंगा यहाँ पे, वो एक दूसरा अलग टॉपिक है पूरा। तो उसकी वजह से आज की डेट में भी ये पार्ट इनके कंट्रोल में है और ये वाला पार्ट हमारे कंट्रोल में है। तो यहाँ वाले पोर्शन में जो रहता है हमने क्या किया, इसको आज की डेट में यहाँ पे आर्टिकल 370 एप्लीकेबल होता है। ये 370 एप्लीकेबल आर्टिकल होता है, यहाँ पे सारे इसको एक ऐसे दर्जा दे देता है जैसे कि कुछ
चीजों को छोड़ के, सिक्योरिटी, डिफेंस और कम्युनिकेशन, फॉरेन रिलेशन को छोड़ के, बाकी के जो भी इनके चीजें हैं वो सारे खुद के बनाते हैं, ठीक है ना। ये खुद के रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा बहुत सारे एक्ट हो गए, जैसे आरटीआई को ही ले लीजिए, आरटीआई जैसे एक्ट हो गए, और भी बहुत सारे एक्ट हो गए, ह्यूमन राइट से रिलेटेड एक्ट हो गए, तो वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं, वो सब इनका अलग ही बना हुआ है सब, ठीक है ना। तो वो सारे जो इनको फायदे पहुंचा रखे हैं वो आर्टिकल 370 के तहत पहुंचा रखे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे गंदी बात मुझे लगती है देखने वाली, वो ये लगती है, अगर यहाँ से कोई बाहर जाता है इंडिया में, अगर यहाँ से कोई बाहर आता है, मतलब अपनी कंट्री में आ रहे हैं, तो ये बोलते हैं कि हम इंडिया में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें देखने को मिलती है। यहाँ से भी अगर कोई जा रहा है तो जम्मू कश्मीर में बोलते हैं, वो एक अलग चीज है, पर लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये गलती इनकी भी नहीं है, देखिए जो आदमी यहाँ पे रहते हैं उनकी गलती कुछ नहीं है, उसको जो भी काम होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, एडमिनिस्ट्रेशन उनको ऐसा मिला है, तो वहाँ के आदमियों में जो कुछ देखिए, जो स्टार्टिंग से आप लोगों को देखने को मिलेगा, करने को मिलेगा, आदमी तो उसके हिसाब से वर्क करना स्टार्ट कर देंगे ना। अब इनको थोड़ी ना पता है कि यहाँ पे क्या चीजें चल रही है, क्या कंडीशन हो रही थी, जो नई नई जनरेशन आ रही है, जो पत्थर फेंक रहे हैं आज की डेट में, हम लोगों ने लड़कियों को भी देखा था, लड़कियां भी पत्थर फेंक रही थी अभी कुछ दिनों पहले, तो उनको तो यार देखिए वो एक मतलब बच्चे हैं वो, अभी उनको थोड़ी ना पता है कि असली असलियत क्या है, उनको बस उकसाया जाता है। और वैसे ही आप लोगों को पता है, जब गरीबी होती है तो क्या होता है, अगर कहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन ढंग से नहीं हो रहा है, काम ढंग से नहीं चल रहा है, अगर वहां पे लोगों को रोजगार ढंग से नहीं मिल रहा है, तो उनको तो पैसे कमाने का जो भी साधन चाहिएगा, जो भी साधन मिलेगा यार उसी को यूज करेंगे। तो अगर उनको 500 500 और 1000 1000 रुपए पत्थर फेंकने के मिल रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है, उनको कुछ पत्थर फेंक रहे हैं उनका एक दिन का, अगर उनको 1000 रुपए डेली मिल रहे हैं तो 30 हजार रुपए सैलरी हो गई अगर लगा लीजिए। तो इस तरीके से मतलब ये एक एस्टिमेशन बता रहा हूँ ओनली, ठीक है ना। तो देखिए अगर इस तरीके कंडीशन हो जाएगी तो कौन नहीं चाहेगा, उनको तो अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, वहां पे काम ढंग से चल नहीं पाता है, दूसरे तीसरे दिन दंगे रहते हैं, और अभी बाई इलेक्शन हुए हैं वहां पे, जिसकी वजह से वहां पे ओनली 7%, देख रहे हो 7% ओनली वहां पे वोट एंड टर्नआउट हुआ है, मतलब हर 100 में से 7 आदमी बाहर निकल के आए हैं, ओनली 93 आदमी घर से बाहर ही निकल के नहीं आए। तो इतनी बुरी कंडीशन आज की डेट में हो चुकी है। तो इसके बारे में आगे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आर्टिकल 370 के बारे में देख लेते हैं। देखिए आर्टिकल 370 जो है इनको एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है, ठीक है ना, अलग कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है, और जहाँ पे जो यहाँ पे गवर्नर होता है, ठीक है, उसको सरदारे सरदारे रियासत बोला जाता है, और जो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर होता है उसको क्या बोला जाता है, वजीरे आजम, वजीरे आजम, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है अगर किसी कंट्री का है, तो वहां पे जो चीफ मिनिस्टर होता है वो एज ए प्राइम मिनिस्टर काउंट होता है वहां पे जम्मू और कश्मीर का। यहाँ पे आर्टिकल 356 एप्लीकेबल नहीं होता है। 356 के अंदर क्या आता है, याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा है तो चलिए आंसर दीजिए, आप लोगों को याद आ जाएगा। तो आर्टिकल 356 यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। जो भी मैंने आप लोगों को बताया, ओनली जो इंडिया के हाथ में है यहाँ पे, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, और इसके अलावा कम्युनिकेशन वाला जो फील्ड है वो ओनली डिफेंस, वो ओनली सेंटर के हाथ में है, बाकी यहाँ पे इनको जो करना है वो अपने हिसाब से करते हैं, कोई भी इनको रोक नहीं सकता है। इनके सेपरेट फंडामेंटल राइट है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है। और इतनी सारी चीजें यहाँ पे अलग दे रखी है इसी तरीके से, और कोई भी स्पेशल मतलब सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से भी, अगर सुप्रीम कोर्ट भी चाहे यहाँ पे नो स्पेशल लीव टू अपील, मतलब सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है अगर ढंग से देखा जाए तो, क्योंकि इनका अलग ही कोर्ट चलता है, जो इनका हाई कोर्ट है खुद का, वही एक तरीके से इनका सुप्रीम कोर्ट माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के इनको सारे पावर दे रखी है, तो इतनी सारी ऑटोनोमी उनको वहां पे दे रखी है। और आप लोगों को इंपॉर्टेंट है याद रखना है, आर्टिकल 371 जो आता है पार्ट 21 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या आता है, ठीक है ना, आर्टिकल 370 पार्ट 21 में। तो इस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही ज्यादा न्यूज में चीजें आज की डेट में रह चुकी है। ओके, तो इसको याद रखिएगा थोड़ा। आइए अब आगे देखते हैं ये आर्टिकल में क्या बोल रहे हैं। देखिए यहाँ पे अभी बाई इलेक्शन हुए, तो बाई इलेक्शन होने की वजह से आप लोगों को, जैसे मैंने अभी बताया, ओनली यहाँ पे 7% जो है वोट एंड टर्नआउट रहा है, तो उसकी वजह से कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है, कोई भी आदमी यहाँ पे वोट डालने बाहर नहीं निकला है। तो ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बाइनरी बोल रहे हैं, बाइनरी मतलब दो आदमी अपोज है, एक साइड में तो हो गए इंडियन जो मेनलैंड है, और दूसरी साइड में हो गए कश्मीरी, तो यहाँ पे इंडियन वर्सेज कश्मीर चलता है, ठीक है ना। तो इस तरीके की कंडीशन यहाँ पे बनी रहती है। तो एक जो प्रोपेगेंडा जो फैलाया जाता है यहाँ पे, जो भी यहाँ पे मतलब आप लोग बोल सकते हैं इन्फिल्ट्रेटर है, या जो भी यहाँ पे रहने वाले आदमी जो उकसाते हैं लोगों को, वो क्या रहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट वाला बिहेवियर अपनाते हैं। तो जिसकी वजह से जो सिटीजन है, जो वहाँ के एरिया के रहने वाले आदमी है, उनको बहुत ही ज्यादा उकसा के रखा जाता है, ठीक है। तो इसका एक कई सारे रीजन इन्होंने बताए, उसमें से एक जो इंपॉर्टेंट रीजन बताया, देखिए भारतीय जनता पार्टी और जो पीडीपी का मिलन है, ये एक बिल्कुल दोनों अपोजिट आइडियोलॉजी वाली पार्टी एक साथ मिलकर गवर्नमेंट चला रही है। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिल रहा है वो भी अच्छा नहीं देखने को मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन की जो अकाउंटेबिलिटी और ऑनेस्टी भी बोल रहे हैं ये, यहाँ पे इसका रीजन है जिसकी वजह से इस तरीके की कंडीशन यहाँ पे बन रही है ग्राउंड लेवल पे। और आगे क्या बोल रहे हैं, देखिए कि आगे जो यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्स हम लोग भेजते हैं ना यहाँ पे, उसको भी ये थोड़ा सा वो बोल रहे हैं, मतलब आर्टिकल में लिखने वाले। एक बात मैं और बता देता हूँ यार,
देखिए मैं यहाँ पे आर्टिकल डिस्कस करता हूँ दोस्तों, तो उस आर्टिकल का डिस्कस करने में मैक्सिमम जो आइडियाज रहते हैं, वो विचार रहते हैं, वो राइटर के रहते हैं, ठीक है ना। कई सारे बंदे ने अभी एक दिन पहले मैंने फिर डिस्कस किया था कि काश मेरी यूथ जो है वो अपने रास्ते से भटक गए हैं, तो उनको बेचारों की उनकी कोई गलती नहीं है। तो किसी ने कमेंट में लिखा था बेचारे नहीं है, तो काइंड ऑफ करके कमेंट आए थे नीचे। तो यार देखो वो बच्चे हैं ओनली, ठीक है ना, किसी को बहकाया जा सकता है, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। और यहाँ पे मैं आर्टिकल में राइटर के व्यू बताता हूँ, उसमें मेरे व्यूज नहीं रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि देखिए जितना मेरे लेक्चर सुनते हैं वो बहुत ही मैच्योर आदमी है, क्योंकि अगर कोई द हिंदू के डिस्कशन सुनना है तो वो एक मैच्योर क्लास है सोसाइटी की, ठीक है। बच्चा नहीं सुनेगा कोई इसको जिसमें बुद्धि नहीं है, वो द हिंदू के लेक्चर नहीं सुनेगा। तो आप लोग बहुत ही अच्छे और समझदार आदमी है, आप लोग जानते हैं सबकी क्या सही है क्या गलत है। तो ये माइंड में रखते हुए मैं यहाँ पे लेक्चर का जो है डिस्कशन करता हूँ, ठीक है ना। तो उस चीज को थोड़ा आप लोग ओपन माइंड होकर चीजों को सुनते हैं तो वो अच्छा लगता है। हालांकि एक आधा बंदा देखिए वो होता है कोई कोई, वो एक अलग बात है, पर लेकिन ट्राई कीजिए कि चीजों को थोड़ा एक एक ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, ठीक है ना। एक ऐसे नहीं कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, या फिर मैं यूपी का हूँ या बिहार का हूँ, एक ऐसे इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एक ऑफिसर और लीडर की क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए उसको। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखिए नॉर्मली हम जो इंडियन जो जाती है वहां पे, ना तो हमारा कोई लेजिस्लेटर जाता है ढंग से, ना सिविलियन गवर्नमेंट का कोई आदमी जाता है ढंग से। वहां पे जो जाती है इंडिया की साइड से अगर देखा जाए, मतलब हमारी मेन लैंड की साइड से, वहां ओनली सिक्योरिटी फोर्स जाती है। तो सिक्योरिटी फोर्स वहां पे हमारा मेन चेहरा रहती है अगर जम्मू कश्मीर में देखा जाए, तो वो इंडिया को एक सिक्योरिटी फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ऐसे नहीं देखते हैं कि यहाँ पे भी बहुत सारे आदमी रह रहे हैं, वो हमको चाहते हैं, हमसे प्यार करते हैं, वो हमारे साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं, नहीं। उनको दिखती है ओनली फोर्स, क्योंकि हमारी साइड से ओनली फोर्स जाती है वहां पे उनको कंट्रोल करने के लिए। तो आप ही देख लीजिए अगर हमारे आसपास वाले एरिया में भी इस तरीके से फोर्स रहने लगे तो कितना इरिटेटिंग फील होने लगेगा। तो ये इस चीज को बोल रहे हैं कि अगर पास्ट के एक्सपीरियंस से भी हम लोग देखें, पास्ट के एक्सपीरियंस से जिस तरीके से वायलेंस वायलेंस हुए यहाँ पे, जिस तरीके से कंडीशन बनी है, स्टोन पेल्टिंग वगैरह फेंके गए हैं, और उसके अलावा भी फिर जो कंडीशन बन जाती है यहाँ पे बार बार, तो वो कंडीशन अगर एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, और अगर मिलके जिस तरीके से वर्क करने की कोशिश की है जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने या फिर अपोजिशन के जो लीडर हैं उन्होंने, तो वो कई बार मतलब सही कंडीशन की गई है वहां पे। ऐसी बात नहीं है कि वहां पे सही कंडीशन नहीं की गई है। अभी 2010 की बात करें, 2010 में भी वहां पे इस तरीके का इनिशिएशन चलाया गया पोलिटिकल पार्टी के द्वारा, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को लेकर, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। तो इस तरीके की जो चीजों संकरों को जो संकट आया उस टाइम पे, उनको टैकल करने की कोशिश की गई है, तो उस टाइम पे भी चीजें सही की जा चुकी हैं। पर लेकिन अगर देखा जाए तो एक बात बड़ी अच्छी बोलने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि उस टाइम पे जो हमने पीस बनाने की कोशिश की थी, मतलब 5-6 साल पहले, वो एक अलग कंडीशन थी, ठीक है ना। उसने उस टाइम पे वर्क किया, सिग्निफिकेंटली इंप्रूव रिलेशन हुए। पर लेकिन अगर देखा जाए ये डे बाय डे चेंज होता जा रहा है। जो स्ट्रेटजी 5 साल पहले काम कर रही थी वो स्ट्रेटजी आज वर्क नहीं करेगी, और जो स्ट्रेटजी आज वर्क कर सकती है वो स्टडी आगे आने वाले 5 साल बाद वर्क नहीं करेगी, और जो स्टडी आगे आने वाले 5 साल बाद वर्क कर सकती है वो फिर उसके नेक्स्ट वाले 5 साल वर्क नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि देखिए सिचुएशन चेंज होती रहती है, इकोनॉमिक चेंज होती है, लोगों की मेंटेलिटी चेंज होती है, और जो प्लॉट जो पॉलिटिकल ग्राउंड चेंज होता है वहां पे, और इस तरीके से देखिए सब बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। आज की डेट में देख लीजिए अगर पाकिस्तान में जब से चाइना ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया है, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी हद तक जो है एक तरीके से लाइफ जो है ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी अब आने वाले टाइम में देखना। क्योंकि यार देखिए इकोनॉमी एक ऐसी चीज होती है वो सब चीजों को सेटल डाउन कर देती है। जब आदमी बिजी रहता है अपने काम में, अपनी रोजी रोटी में, तो फिर उसको फालतू के काम करने का टाइम नहीं रहता है। वो सोचा यार एक साइड में तो तुझे पत्थर फेंक के गोली खाने को मिलेगी, और दूसरी साइड में तुझे काम मिल रहा है आराम से करने को, तो क्या करना स्टार्ट काम कोशिश करेगा, तो वो एक नॉर्मल काम करना कोशिश करेगा ना। तो उसी तरीके की चीजें यहाँ पे इन्होंने डिस्कस की गई है कि आज की डेट में जो आप प्लान बना रहे हैं, आज की डेट में जो इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी तरीके से आप यूपीएससी का देख सकते हैं। जिस तरीके से 5 साल पहले यूपीएससी की तैयारी होती थी, आज की डेट में नहीं हो सकती। आज कंप्लीटली डायनामिक हो चुकी है चीजें। एसएससी की भी ले लीजिए, एसएससी की भी चीजें चेंज होती जा रही है। बैंकिंग की ले लीजिए, पहले ऑफलाइन एग्जाम होते थे, आज की डेट में सब ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। तो जो स्ट्रेटजी 5 साल पहले काम करती थी वो आज वर्क नहीं करेगी, तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे। और वो तो जो वर्क कर रही थी वो कर ही रही थी, ऊपर से पाकिस्तान का रोल यहाँ पे इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जो कि पहले से बढ़ता ही था, अब फिर होने लगा है बहुत ज्यादा है। तो क्या बोल रहे हैं, अगर हिस्टोरिकली हम लोग देखा जाए 1947 से लेके, ठीक है ना, 1947 की बात करें, जब से मैंने आप लोगों को अभी हिस्ट्री बताई थी उसके बेस पे, उन्होंने कई मतलब पाकिस्तान ने कई बार कोशिश किया था लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाए। पर लेकिन 1980 के एयर फेयर में आके क्या हुआ, आर्टिकल 370 को एक तरीके से डेड लेटर करार दे दिया गया, ठीक है ना, उसको एक टेम्परेरी काइंड ऑफ बोल दिया गया। तो उसके बाद में फिर 1988 में देखा जाए अगर, तो जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, जो कि जम्मू और कश्मीर का इंटरनल में, इंटरनल मैटरों में, इंटरनल पॉलिटिक्स में।
तो जो थाउजेंड्स ऑफ यूथ थे कश्मीर के, उन्होंने अपराइजिंग होनी स्टार्ट हो गई। फिर एक वही हो गया ना कि एक तरीके से इंटरफेयर कर रहे हैं, जो वहां की देखिए कोई भी अगर अपराइजिंग होती है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। तो जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी उन्होंने उन चीजों को उन्होंने मतलब एक तरीके से बढ़ावा देने की कोशिश करना स्टार्ट कर दी, जिससे कि देखिए एक बात अगर बोला जाए, जम्मू और कश्मीर को जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है बहुत ज्यादा पैसा देती है। बहुत ज्यादा पैसा किस लिए देती है? वो पैसा इसीलिए देती है ताकि वो जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट जो है वहां पे शांति बनाए रखे, ठीक है ना। और तो इससे पॉलिटिकल जो है वहां पे अथॉरिटी वो इसका फायदा उठा रही है। वो क्या करती है, कुछ भी इस तरीके की कंडीशन स्टार्ट कर देती है जिससे कि यहाँ से और ज्यादा पैसा आने लगे। तो पॉलिटिशियन फायदा ले रहे हैं, लोकल आदमी जो है वो गरीब बेचारे वो मारे जा रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके की कंडीशन क्रिएट करती है, ठीक है ना। तो आर्टिकल में इस तरीके से सजेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को मिलकर वहां पे वर्क करना चाहिए, ऐसे नहीं कि उनको अलग छोड़ दिया जाए और सबको अलग अलग तरीके से टैकल किया जाए। ओके, और आगे ये बोल रहे हैं कि अगर देखिए इस तरीके से फेल हो रहे हैं रिकॉन्साइल करने में, मतलब रिकॉन्सिलेशन करने में, सुलह करने में इस तरीके से फेल हो रहे हैं, तो एक तरीके से फिर से हम जो वहां के जम्मू कश्मीर के यूथ है उनको पाकिस्तान के हाथ में सौंप दे रहे हैं, और ये बिल्कुल व्यर्थ होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। इसके ऊपर बस डिबेट करते रहे कि नेशनलिस्ट कौन है और कौन जिहादिस्ट है, उस पर कोई मतलब नहीं है। कि जम्मू कश्मीर वाले जो जो वहां पे कुछ गलत काम करते हैं पाकिस्तान चले जाओ, तो जिस तरीके के वर्ड यूज किए जाते हैं वो एक तरीके से हर्ट करते हैं उनको, ठीक है ना। तो उनको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। अभी अटोर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने 2-3 दिन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट क्या किया है, मुकुल रोहतगी जी ने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मैं कुछ करूँ क्या दोनों में इंटरफेयर कर, मतलब दोनों में कुछ सुलह करवाने का काम हम लोग कुछ करें क्या? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो मुकुल रोहतगी जी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि जो वहां पे इंडिपेंडेंस चाहते हैं, जो इस तरीके के जो सब जो वहां लीडर है अपोजिशन के, जो वहां पे दंगा फैला रखे हैं ग्राउंड पे, हम उनके साथ में बिल्कुल मिलकर वर्क नहीं करेंगे। तो यहाँ पे राइटर सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए कि प्राइम मिनिस्टर के जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में ले लीजिए, या फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी के, या मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट के बारे में ले लीजिए, उन्होंने सबने वहां पे मिलकर काम करने की कोशिश की और अब तक वहां पे एक शांति बरकरार हो रखी थी। पर लेकिन आज की डेट में जो कंडीशन बन चुकी है सब इतनी ज्यादा है, मतलब आप लोग देख रहे हैं कितने ज्यादा आदमी मारे जा चुके हैं, तो सब सड़कों पे आ गए हैं आज की डेट में वहां पे। तो किस तरीके से वहां पे पीस रिस्टोर करना है उस पर हमारा फोकस करना चाहिए, और जो वहां पे असंतुष्ट आदमी है, जो वहां पे डिसेंडेंट्स हैं, असंतुष्ट आदमी है, उनको मतलब उनसे बात करनी चाहिए, ठीक है ना। उनसे बात करनी चाहिए, ऐसा नहीं है बात करने से सब काम सेटल हो जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की अगर हेल्प लेने की जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट की भी हेल्प लेनी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है, कोई बाहर का कोर्ट नहीं है, यूएसए थोड़ी ना है, ये सुप्रीम कोर्ट है हमारा। तो अगर उसकी हेल्प लेके कुछ काम बन सकता है तो उसको बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ये यहाँ पे बोला गया है। ओके, आइए आगे चलते हैं। देखिए ये आर्टिकल श्रीलंका से रिलेटेड है। ये आदमी जो है बहुत ही खतरनाक आदमी थे, ये कम्प्लीटली चाइना के फेवर में थे। इनका नाम था राजपक्षे, महेंद्र राजपक्षे। तो इनकी गवर्नमेंट हटके यहाँ पे फिर बाद में गवर्नमेंट आई इनकी, ठीक है ना। इनका नाम है रानी विक्रमसिंघे। तो ये आज की डेट में ये यहाँ पे है, ठीक है ना। तो ये देखिए, सॉरी मैत्रीपाला सिरिसेना है इनका नाम, रानी विक्रमसिंघे तो प्राइम मिनिस्टर है, ये मैत्रीपाला सिरिसेना है, ठीक है ना। ये इनके यहाँ पे सेवंथ प्रेसिडेंट है, जो कि श्रीलंका के सेवंथ प्रेसिडेंट है। तो ये आज की डेट में ये प्रेसिडेंट है। तो ये जो थे ये फेवर में थे किसके, याद रखिएगा, मैत्रीपाला सिरिसेना है, जो रानिल विक्रमसिंघे है वो कौन है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर है, ये प्रेसिडेंट है। तो ये सेवंथ प्रेसिडेंट है यहाँ पे। तो ये जो है ये इंडिया के फेवर में है, और ये जो है कंप्लीटली चाइना के फेवर में थे, और इनकी वजह से ही यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरी कंडीशन हुई है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा सेकंड आर्टिकल में जो अभी यहाँ पे चीजें बताई गई हैं। देखिए ये वाला हो गया इंडिया, ठीक है ना, ऊपर ये हो गया, नीचे श्रीलंका। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, बहुत सारे यहाँ पे आदमियों को लेके गए, जैसे कि हम लोगों ने देखा था अभी कि बहुत सारे आदमी वर्ल्ड वार के टाइम पर, हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था जो तीन मूर्ति वाला आर्टिकल था, ठीक है ना। तीन मूर्ति वाले आर्टिकल में एक हमने इसराइल की एक सिटी का नाम लिया था, जिसके बेस पे तीन मूर्ति का नाम चेंज करने जा रहे थे। तो तीन मूर्ति जो भवन है, तीन मूर्ति जो जो माग है, तीन मूर्ति जो चौक है, उसके बीच में एक सिटी का नाम डालने जा रहे थे। सिटी का नाम लिखेगा उसका कमेंट बॉक्स में, याद हो तो आप लोगों को, क्योंकि उस तरीके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसराइल की सिटी है वो, ठीक है ना। तो देखिए वहां तक हमारे आदमी को लेके गए लड़ाई लड़ने के लिए, अंग्रेज पता नहीं कहाँ कहाँ तक लेके गए हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे आदमी को हमारे को लेके गई है श्रीलंका में। तो श्रीलंका में कहीं चाय के बगान थे, तो उन सब में वर्क करने के लिए, और भी कई सारे इनके वर्क रहते थे रॉ मटेरियल निकालने के लिए। तो ये जब लेके गए उस टाइम से, तो फिर क्या किया, जो यहाँ पे आदमी थे, खासकर ये नॉर्थ वाले एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे जो जाफने वाला एरिया है, ये यहाँ पे खासकर इस एरिया में उन्होंने जाके रहना स्टार्ट किया, नॉर्थ वाले एरिया में, ठीक है। तो वहां पे जब रहना स्टार्ट किया, उसके बाद में फिर देश आजाद हो गया। देश आजाद होने के बाद में फिर यहाँ पे जो श्रीलंका की अगर गवर्नमेंट आ गई और इंडिया की अगर गवर्नमेंट हो गई, तो दोनों ने अलग अलग काम करना स्टार्ट कर दिया। तो जो आदमी यहाँ पे गए थे, देखिए अगर कोई आदमी कहीं पे जाके 60-70 साल रह ले रहा है, तो फिर वो थोड़े ना वापस आएगा, वहां पे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक पूरी पीढ़ी हो जाती है पूरी,
तो उन्होंने वहीं पे रहना स्टार्ट कर दिया। पर लेकिन जो ये आदमी थे बहुत ही पढ़े लिखे थे, समझदार आदमी थे, तो पॉपुलेशन तो इनकी कम थी, पर लेकिन कम पॉपुलेशन होते हुए भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा थे, पढ़े लिखे आदमी थे, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा थे, और एक तरीके से मतलब क्वालिफिकेशन इनकी अच्छी थी, तो जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं उनमें भी ये बहुत ज्यादा थे। पर लेकिन जो यहाँ पे सिनहाला कम्युनिटी है, याद रखिएगा सिनहाला कम्युनिटी है, वो चिढ़ती थी। क्यों? क्योंकि एक तो ये दूसरी कंट्री के बोला जाता था इनको, कि दूसरी कंट्री के हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, तो इस तरीके से बात होती थी। तो यहाँ पे बहुत सारे LTTA वाली फाइट चली, कि इनको इनके इनके जो राइट्स हैं इनको सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, जो ऊपर वाले थे इनके राइट्स हैं वो सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया, और यहाँ पे इनको मतलब जॉब से निकालना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके कई सारे रिफॉर्म लेके आने स्टार्ट हो गए। तो फिर जो इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, और LTT वाला जो केस निकल के आया, लिट्टे जो जिसको लिट्टे बोलते हैं, तो जो वो वाला केस निकल के आया उस टाइम पे, फिर क्या हुआ यहाँ पे, एक तरीके से गृह युद्ध की बात छिड़ गई। तो बहुत सारे आदमी मारे गए, बहुत सारे आदमी बेघर हो गए, तो बहुत सारे आदमी गायब कर दिए गए, उनकी जमीनों पर जो है आर्मी का कब्जा चल गया, तो ये काफी कुछ हुआ। ठीक है, तो इतना कुछ हो रहा था वहां पे। तो इसी से रिलेटेड वो कंप्लीट आर्टिकल आया हुआ है, कि आदमियों ने अपना घर बार छोड़ दिया, सब आदमी चले गए, और इसी ड्यूरेशन में मतलब इंडिया के रिलेशन भी बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गए यहाँ पे आगे। क्योंकि जो ये ऊपर वाले आदमी थे, ये सोचते थे कि इंडिया भी एक तरीके से इस गवर्नमेंट का काम दे रही है हमको सप्रेस करने में, तो काफी बुरी कंडीशन हो गई। और इसी के चलते यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जो थे, भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी, वो भी इसी रीजन की वजह से, इसी फाइट की वजह से, मतलब उनको मतलब बम बम रख दिया गया था उनकी माला में, और उनको मतलब मार दिया गया था, वो भी सब इसी की वजह से हुआ था। तो मतलब कंट्री के लीडर तक का इन्होंने नहीं छोड़े हैं, तो इतनी बुरी कंडीशन यहाँ पे बन गई थी। तो वो सब चीजें हो गई थी, तो आज की डेट में वहां पे सेटलमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो किस तरीके से सेटलमेंट करने की कोशिश की जा रही है, कुछ तो इस आर्टिकल के, कुछ उस आर्टिकल के पॉइंट अब यहाँ पे देख लेंगे हम लोग। देखिए, जो रानी विक्रमसिंघे जी है वो अभी प्राइम मिनिस्टर की मतलब हमारी इंडिया की विजिट पे आए हुए हैं, और पिछले कुछ दिनों में 2015 से 3 बार मिल चुके हैं लगभग। ठीक है ना, तो 3 बार मिल चुके हैं जब से यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई है। तो इस बात को लेके जिक्र करने हैं अब आगे, अलग अलग एरिया में वर्क करने की बात करनी स्टार्ट कर दी। अब देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, या और भी कोई कोलेबरेशन करना है किसी और प्रोजेक्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है ना, जिसको SEZ भी बोलते हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, देखिए ऐसे होते हैं, मान लीजिए एक बार मैप दिखाता हूँ मैं, मान लीजिए इंडिया में यहाँ पे दिल्ली में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो वो दिल्ली को ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कि वो दिल्ली का पार्ट होते, मतलब इंडिया का पार्ट होते हुए भी वो एक अलग पार्ट है। अगर यहाँ से बाहर से कोई आदमी जा रहा है, तो वो एक ऐसे एंट्री करता है यहाँ पे जैसे कि ये दूसरी कंट्री से आदमी आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से जो प्रोडक्ट बाहर जाता है ना, वो ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि दूसरी कंट्री में जा रहा है। वहां पे 24 घंटे लाइट रहती है, 24 घंटे आदमी वर्क करते हैं, शिफ्ट में वर्क होता है वहां पे, तो इस तरीके के होते हैं। हालांकि इंडिया में इतने डेवलप नहीं है, ये चाइना का एग्जाम्पल है, चाइना में इस तरीके के स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। ठीक है, तो यहाँ पे बाहर कोई प्रोडक्ट जाए, या फिर यहाँ से पाकिस्तान में जाए, या फिर अफगानिस्तान में जाए, या फिर चाइना में जाए, तो इसका मतलब वो एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है। तो स्पेशल जोन बना दिया जाता है कंट्री के अंदर ही, ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोला जाता है। बहुत ज्यादा एक तरीके से इकोनॉमी में बहुत बेनिफिशियल होता है वो। तो ये वही बात बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग मैन को हरा के आए, जो कि राजपक्षे जीते, महिंद्र राजपक्षे, ये तो इनको हरा के ये बने हैं अभी। तो अब जो है हमारे जो रिलेशन है इनके साथ में रिवाइव हो रहे हैं। तो वर्ल्ड वार सेकेंड के टाइम का ये ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी है, इस पे भी वर्क करने जा रहे हैं ज्वाइंटली मिलके। तो इस तरीके से जो रिलेशन है वो काफी आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं इनमें तो हम रिलेशन आगे बढ़ा रहे हैं, पर लेकिन जो तमिल और मुस्लिम वाला इश्यूज है वहां पे, उनके बारे में भी थोड़ा सोचा जाए। जो वहां पे हमारे आदमी रहते हैं, वर्ल्ड जो यहाँ पे एक तरीके से सिविल वार उस टाइम पे हुई थी, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, सिविल वार तो एक तरीके से एंड हो चुकी है, पर लेकिन नॉर्मल नॉर्मल लाइफ वहां पे अभी नहीं आई है। क्यों नॉर्मल लाइफ नहीं आया था, क्योंकि 100 पीपल्स जो है आज की डेट में वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देखिए बहुत से आदमी उनके ऐसे हैं जो कि आज की डेट में मिस्टीरियस कंडीशन में गायब कर दिए गए हैं, उनका पता नहीं है आज की डेट में कहाँ चले गए हैं। ठीक है, मिलिट्री ऑक्यूपेशन हो रखा है उनकी लैंड पे, मतलब जो वहाँ पे स्कूल है बच्चों के पढ़ने के, वहाँ पे मिलिट्री का ऑक्यूपेशन हो रखा है उनकी लैंड पे, ना तो स्कूल है वहाँ पे आज की डेट में ढंग से, ना वहाँ पे आज की डेट में हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे कोई भी एक तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि सिविल वार के टाइम पे सारी तोड़ फोड़ दी गई थी वहाँ पे। तो इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो फ्रीक्वेंटली ये फेस करते हैं प्रेशर जो कि पोलिटिकल पार्टी और रिवाइवल जो अपोजिशन है उनसे। और ये बात करने की जो जो मैत्रीपाला सिरिसेना और जो रानिल विक्रम सिंघे की इनकी गवर्नमेंट आई है, ये भी जो इन्होंने प्रॉमिस किए थे पोल के टाइम पे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को राइट देंगे, जो कि उनको अच्छे से राइट नहीं दे रखे हैं वो सारी चीजें, तो ये बोल रहे थे कि ये वर्क करने की बात कर रहे थे, पर लेकिन यहाँ पे भी इन चीज में वर्क हो रहा है, कोई दिख ही नहीं रहा है ग्राउंड पे वर्क होता हुआ, बहुत ही आराम आराम से काम चल रहा है, जिस तरीके से सोचा गया था उस तरीके से वर्क होता कहीं पे दिख ही नहीं रहा है। तो ये बात आर्टिकल में यहाँ पे बोली जा रही है। और देखिए इंडिया जो है ये बोल रहे हैं कि इंडिया को तो अपना वर्क कंप्लीट करना चाहिए, अपना लगे रहना चाहिए, जिस तरीके से इंडिया ने अभी बोला था कि हम इनको एक तरीके से असिस्टेंट देने की बात करी थी, 2.6 बिलियन का डेवलपमेंट असिस्टेंट की डेवलपमेंट किया जाएगा, और खासकर डेवलपमेंट किस एरिया में किया जाएगा, डेवलपमेंट इस नॉर्थ वाले एरिया में किया जाएगा खासकर।
क्योंकि यहीं पे सब आदमी रहते हैं, तो वहां पे स्कूल्स बनाए जाएंगे, वहां पे बिल्डिंग्स बनाई जाएगी, हॉस्पिटल्स वगैरह बनाए जाएंगे, तो डेवलपमेंट, रेलवे लाइन भी वहां पे बिछाने की कोशिश कर रहे हैं कई। अब हमने आप लोग कुछ पीछे डिस्कस भी किया था हम लोगों ने मिलकर उस वो आर्टिकल भी। तो देखिए ये तो एक अलग चीज होगी, इसके अलावा क्या करना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो आदमी है ना उनके वो आज फेसिस मतलब क्राइस फेसिस कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमी अच्छी नहीं है वहाँ पे, सब कुछ खत्म हो चुका है। एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहते हैं और फिशरी पे डिपेंड रहते हैं। एग्रीकल्चर में भी तो कुछ हो ही नहीं रहा है ढंग से, और फिशरी में भी कई सारी कंडीशन खराब हो रखी है। देखिए जो पाक बे है, और एक तरीके से मतलब श्रीलंका वाले जो फिशरमैन है वो इशू क्या फेस कर रहे हैं, हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था। काफी चीजों को तो रिविजन होता रहता है। ये देखिए ये हो गया पाक स्ट्रेट, ठीक है ना, यहाँ पे हो गया पाक स्ट्रेट, ठीक है, और ये हो गया पाक बे, तो ये हो गया। तो इस तरीके से तो यहाँ क्या होता है, हम लोगों ने कई बार देखा जो हमारे तमिलनाडु के फिशरमैन है वो क्या करते हैं, यहाँ पे मतलब मछली पकड़ने आते हैं, और खासकर इनके एरिया में भी चले जाते हैं। हमारे वाले जो फिशरमैन है वो काफी टेक्नोलॉजी से भरपूर है, उनके पास में अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है एज कम्पेयर टू श्रीलंका के फिशरमैन देखा जाए। तो उनकी फिश भी, ये बोलते हैं कि हमारी फिश भी चोरी लेके हो जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं एक तो वहाँ पे वैसी एग्रीकल्चर भी नहीं होती है, ढंग से वर्क नहीं होता है, ऊपर से जो हमारे फिशरमैन है वो भी वहाँ पे इनके वाले एरिया में फिश निकाल के ले जाते हैं, तो ये भी कंडीशन है। तो इन सब चीजों को शॉट डाउन, इन सब चीजों का सोल्यूशन निकालना चाहिए हमको, ठीक है, इनको सबको मैटर को सोल्व करना चाहिए। और जिस तरीके से वहां पे नॉर्थ वाले एरिया में जो डिस्ट्रक्शन फैला गया था उस टाइम पे, वार के टाइम पे, तो उसको उस पर फोकस करना चाहिए, किस तरीके से वहां पे उसको सही किया जाए उस वाले एरिया पे। और जो चाइना और इंडिया वाले, जो चाइना को लेके एंजाइटी बनी हुई है, डर बना हुआ है इंडिया के मन में, वो एक जगह सही है, पर लेकिन वो एक जगह सही है अगर हम देखें, अगर हम सच्चे हैं, अगर हम नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं श्रीलंका के बारे में, अगर हम एक प्रॉपर वे में वर्क कर रहे हैं, उनको हम अपना इक्विवेलेंट मान रहे हैं, तो कभी भी हमको चाइना वाला फैक्टर है वो इतना ज्यादा मतलब उसके बारे में इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोनॉमी, हमें ऑटोनॉमी रेस्पेक्ट करनी चाहिए श्रीलंका की, उनके ऊपर हमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारे छोटे भाई हैं, वो इक्विवेलेंट कंट्री है, ठीक है ना, हमारे बराबर की कंट्री है, तो उस तरीके से सोचना चाहिए। तो वही एक एरा है, जिस वही एक तरीका है जिसके तरीके से हम एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बना के रख सकते हैं, और जिसके बेस पे हम अच्छे से वर्क कर सकते हैं आगे फॉरवर्ड में। देखिए सबसे बड़ी बात होती है नेबर जो होते हैं उनसे कभी भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आज के डेट में यहाँ पे ही यहीं पे रहेंगे तो थोड़ा ना कि यहाँ पे समुद्र है, तैर के श्रीलंका कहीं और चला जाएगा और यहाँ से कहीं और पहुंच जाएंगे, ठीक है, ऐसा थोड़ा ना। घर तो होता है पड़ोसी में, क्या होता है हम लोग घर आज यहाँ बना रखा है, कल कहीं और बना लिया वो चल जाता है, पर लेकिन ये तो फिक्स है यार, यहाँ पे ये थोड़ी ना चेंज हो जाएगा यहाँ पे। तो इस सब चीजों पर हम लोगों को फोकस करना चाहिए। तो ये बातें थोड़ी समझाने की कोशिश की गई है आर्टिकल में। और वहां पे तो हम असिस्टेंट वगैरह दे ही रहे हैं जो वहां पे उस टाइम पे आदमी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। और बाकी तो उसमें आर्टिकल में यार देखिए इंटरनल पॉलिटिक्स थी श्रीलंका की, वो काफी पॉइंट मैंने जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारे निकाल लिए थे। ओके आइए अब आगे चलते हैं। ये आर्टिकल भी काफी अच्छा आर्टिकल है। ये देखिए बोल रहे हैं री इनिंग इन सार्क, मतलब एक तरीके से लगाम लगाने की बात कर रहे हैं सार्क में। ये बोल रहे हैं कि जो रियल इस्टेट, जो कि बिल्डिंग बनाने वाले हैं, जो घर बनाने वाले होते हैं, जिनसे हम घर खरीदते हैं, अपने फ्लैट वगैरह खरीदते हैं, तो जो ये वर्क करते हैं उन पे लगाम लगाना, एक ऐसी तरी उन पे मतलब रोक लगाना, जो अभी एक्ट पास हुआ है उसके हिसाब से ऐसा है कि सार्क पे लगान लगाने जा रहे हैं। सार्क मछली है, काफी अच्छी खासी मछली मानी जाती है, भारी भरकम। तो इस तरीके से बोल रहे हैं कि वही मतलब उसी तरीके से इसको कंपेयर कर रहे हैं सार्क के साथ में, जो रियल इस्टेट वाले हैं उनको। देखिए ये जो आता है, एक तो आप लोगों को मिनिस्ट्री याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड द अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन, तो इसके अंदर आता है, ठीक है ना। और सबसे दूसरी बात आप लोगों को याद रखनी है, सिंस की जो लैंड है वो सब्जेक्ट किसका है, स्टेट का सब्जेक्ट है, ठीक है ना, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से देखिए होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत स्टेट का सब्जेक्ट है, लेकिन अगर कुछ स्टेट चाहे सेंटर से जाके गुहार करें कि इस टॉपिक पे आप जो है यहाँ पे मतलब कोई लॉ बना दीजिए जो कंप्लीट इंडिया में ढंग से इंप्लीमेंट हो, तो सेंटर उस पर लॉ बना देता है, पर लेकिन जो पास होना होता है, जो वर्क करना होता है, उसको स्टेट को ही वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। नीचे देखिए बोला भी गया उसी के बारे में कि स्टेट को ही वर्क करना पड़ेगा, उसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, और उसके बाद में जो बात की गई थी कि इनको ही रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी RERA, तो रीरा सेट करनी पड़ेगी, उसके साथ में फिर रियल स्टेट एपलेट ट्रिब्यूनल, मतलब एक तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है इनके बीच में तो एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो कि इनके मैटर को सॉर्ट आउट करे। तो ये मैक्सिमम विद इन 1 ईयर के करीब बात की थी कि इसको एक्ट एक्ट आने के बाद में कि 1 ईयर के अंदर अंदर इसको इंप्लीमेंट करो, ठीक है। तो देखिए क्या क्यों क्यों किया जा रहा है, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कंज्यूमर के साथ में कितनी प्रॉब्लम होती है, तो एक एक प्रॉपर वे में ट्रांसपेरेंसी बनाए रखने के लिए तो एक्ट इसीलिए बनाया जाता है। कि एक मतलब एक होता क्या है, देखिए आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर फ्लैट आप लोगों ने बोला है कि कोई फ्लैट खरीदना है, तो फ्लैट खरीदना है तो आप लोग अपनी जीवन भर की कमाई वहां पे जाके दे देते हैं, पर लेकिन वो क्या करते हैं, कभी कुछ चेंज कर देते हैं, कभी बोलते हैं आज मिलेगा कल मिलेगा, तो इस तरीके से वर्षों चले जाते हैं। तो जो उनके बीच में डिस्प्यूट चलता रहता है उसका स्पीडी मतलब सोल्यूशन निकाल सके, तो इसलिए ट्रिब्यूनल बनाने की बात चल रही है, ठीक है। तो रीरा और अपलेट ट्रिब्यूनल जो है एक्सपेक्टेड किया गया था कि विद इन एन एंबिसेस ऑफ 16 डेज वो क्या करेंगे, जो भी कोई कंप्लेन आ रही है उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। तो 60 डेज में अगर सॉर्ट आउट कर दे रहे हैं उसको, तो कितना फायदा रहेगा, ठीक
ठीक है, तो ये बात चल रही है। तो इससे क्या रहेगा, जो भी अपना मकान वगैरह लेना चाहते हो तो उनको बेचारों कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और आगे क्या बोले, देखिए लार्जेस्ट मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट जॉब क्रिएटर है अगर देखा जाए तो, ये ऑलमोस्ट 6% हमारी जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट करता है। ये पॉइंट्स आप लोग याद रख सकते हैं, ये अच्छे पॉइंट है। आप लोगों को ये बताना है, जो इकोनॉमिक सर्वे के लेक्चर देख रहे होंगे उनको पता होगा, आप लोगों को ये बताना है कि देखिए हमारी हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा जॉब जो है वो किस सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है वो, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो महात्मा गांधी जी से भी कनेक्टेड रहता है कहीं ना कहीं, उन्होंने बहुत बोला है उसके बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइड कराता है इंडिया में आज के डेट में। इकोनॉमिक सर्वे वाले लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से सारी चीजें डिस्कस करी थी। आइए अब आगे चलते हैं, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं कि जो की प्रोविजन है इसके, जो आज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट की प्रोविजन है वो एक तरीके से क्या है, अगर कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसको रजिस्टर करेंगे सबसे पहले, ठीक है ना, उसको रजिस्टर किया जाएगा रीरा के अंदर, रीरा के अंदर उसको रजिस्टर किया जाएगा। और प्रीरियर टू मतलब एडवर्टाइजमेंट और मतलब ये बोलने से पहले कि हम ये फ्लैट बेचने जा रहे हैं कुछ करने जा रहे हैं, उसको उसके अंडर करना पड़ेगा और प्रॉपर एक प्लान बना के लेके आना पड़ेगा, उसको क्लियरेंस लेना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं है कि ऐसे ही वर्क करना स्टार्ट कर देंगे, और जितना वर्क करना स्टार्ट कर दें फिर क्वार्टरली उसको अपडेट भी करना पड़ेगा कि ये वर्क हम करके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे इस तरीके से मतलब उनके ऊपर एक लगाम कसी जा रही है। और अगर कुछ अगर ढंग से काम नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से बोला गया है रीरा के अंदर, तो क्या किया जाएगा उनके, रीरा, ठीक है ना, रीरा के अंदर तो क्या बोला जाएगा उनको कि 3 ईयर का इम्प्रिजनमेंट भी दिया जाएगा उनको। तो ये सब किस लिए किया जा रहा है, प्रोटेक्शन देने के लिए किया जा रहा है जो कि मतलब कंज्यूमर होते हैं एक तरीके से। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, देखिए जितना भी ये पैसा इकट्ठा करेंगे वो पैसा इकट्ठा इनको 70% जो है उसका अलग अकाउंट में रखना पड़ेगा, जिसके कि उसका कहीं और यूटिलाइजेशन ना किया जा सके। ये क्या करते हैं, पैसा ले लिया बहुत सारा कि हम घर बनाएंगे, उसके अलावा क्या करना स्टार्ट कर दिया, कहीं और जाके जमीनें खरीद ली। तो यहाँ पे तो वर्क काम स्टार्ट नहीं किया, कहीं और जाके जमीन खरीद ली इन्होंने जाके, तो उस तरीके का वर्क करते हैं। तो इसलिए बोला गया अलग अकाउंट में रखेंगे और वो उसी के लिए यूज किया जाएगा जिसके लिए पर्पज से उसको लिया गया है। तो ये सारी बात बोली है। और जो रजिस्टर किया जाएगा, जो ब्रोकर वगैरह होते हैं, जो एजेंट वगैरह होते हैं, उनको भी रजिस्टर करना होगा एक्ट के तहत। तो बिल्कुल लगाम कसने वाली बात हो गई है। ठीक है, ठीक है, ये बोल रहे हैं। फिर आगे चल के कंज्यूमर का इंटरेस्ट तो आप लोगों ने देख लिया, पर लेकिन डेवलपर का भी कुछ इंटरेस्ट देखना चाहिए यहाँ पे। डेवलपर के बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं गया, डेवलपर के ऊपर तो बहुत ज्यादा बर्डन पड़ गया इसकी वजह से। तो देखिए डेवलपर के पास भी पॉसिटी ऑफ द फंड, पॉसिटी होता है कमी, तो फंड की कमी रहती है। ठीक है ना, तो उनके पास फंड की कमी रहती है, तो वो भी बोल रहे हैं कि हमको जो है एक रियल इस्टेट है उसको इंडस्ट्री का दर्जा दे दीजिए, जिससे क्या होगा इंडस्ट्रीज को आराम से लोन मिल जाता है बैंकों से। अगर इसको इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाएगा तो इनको आराम से लोन मिल जाएगा बैंकों से। और आगे ये भी दिक्कत रहती है, देखिए अगर ये बोलते हैं कि ये प्रोजेक्ट तो ले लेते हैं पर लेकिन लेट करते रहते हैं, तो ये बोल रहे हैं वो खुद से थोड़ी ना लेट करते हैं, लेट करवाए जाते हैं उनके द्वारा जो अथॉरिटी होती है उसको अप्रूव करने में प्रोजेक्ट के, उनको पैसे मांगते हैं वो, तो वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और ऊपर से जो है शॉर्टेज ऑफ लेबर चल रहा है, देखिए आर्टिकल में नहीं है, मैं बताता हूँ इसके बारे में थोड़ा। शॉर्टेज ऑफ लेबर तब से हमारे यहाँ पे मनरेगा वाली जो स्कीम निकल के आई है उसकी वजह से शॉर्टेज ऑफ लेबर होनी स्टार्ट हो गई है सब जगह। क्यों, क्योंकि एक लोकल एरिया में उनको काम मिल जाता है तो फिर इतनी दूर दूर जाने की क्या जरूरत है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला है, खासकर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला है। जो जो दूसरे एरिया से यहाँ पे अगर यूपी में भी वर्क करने आते थे या किसी दिल्ली में वर्क करने आते थे, जो मतलब बिहार वाले एरिया से और किसी एरिया से, तो जो बंदे हैं अब उनको वहीं पे वर्क मिल जा रहा है, तो अभी उनको यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो लेबर की बहुत ज्यादा कमी पड़ रही है आजकल इन एरिया में। ठीक है, और देखिए ये बोल रहे हैं कि जो इस तरीके के जो कंसर्न है ये इनके लेजिटिमेट कंसर्न है। और बोल रहे हैं कि जब से कि 100% एफडीआई इन्वेस्टमेंट वाज परमिटेड इन रियल इस्टेट, तब से इंटरनेशनल जो मनी है वो फ्लड हो रहा है। तो उसके बेस पे कई बात क्या होता है, ये बोल रहे हैं, ये जो यहाँ पे मतलब डेवलपर बोल रहे हैं, पर ये भी ढंग से यूज नहीं करते हैं चीजों का, ये भी डाइवर्ट कर देते हैं फंड इधर से उधर, जहां उसको यूज करना है वहां से उसको यूज नहीं करेंगे। और जो नॉन कोर एक्टिविटीज है, कहीं पे और लैंड खरीद ली, इसको प्रोजेक्ट को ढंग से नहीं किया, मतलब मेगा प्रोजेक्ट एक अनाउंस कहीं पे कर दिया और वर्क कहीं पे कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक प्रॉपर वे में जिस प्रोजेक्ट को बनाना है उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं करते हैं। लैंड कंसोलिडेट पहले ले ले मतलब लैंड कंसोलिडेट लेते नहीं है, मतलब एक तरीके से लैंड तो ली नहीं है इन्होंने। ठीक है, बता दिया लोगों की हमने घर बनाने जा रहे हैं और एक एक साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर देंगे, अब तक जमीन भी नहीं खरीदी है। तो इस तरीके के काम करते हैं, तो इन पर लगाम लगाना जरूरी है। ठीक है, और फाइनली ये तो यही बोले कि देखिए न्यू लेजिस्लेशन है तो वेलकम स्टेप्स है, वर्क अच्छे से करेगा, देखिए किस तरीके से करता है। अभी स्टार्टिंग में कुछ बोला नहीं जा सकता, अभी तो आने वाले टाइम में देखिए किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना के चलता है, और किस तरीके से दोनों में मतलब जो कंज्यूमर और दोनों डिलीवर करने वाला है दोनों को किस तरीके से हेल्प पहुंचाता है। ठीक है ना,
तो एक तरीके से आदमी देखिए, फिर वही बात बोली गई है, पूरी लाइफ की एक सेविंग इकट्ठी करके कोई सोचता है कि मेरा भी घर होगा, मेरे भी छत पे, मेरे भी सर पे छत होगी। तो इस तरीके के सबके ख्वाब रहते हैं और उनके जो ख्वाब हैं वो धूलमिल हो जाते हैं अगर ये इस तरीके से जो डेवलपर है वो ढंग से वर्क नहीं करते हैं। तो वही बात बोली है कि इसको ढंग से हैंडल करके चलेंगे तो सोसाइटी को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। अब ये जो स्टेंट हो गई उसके बारे में बात हम लोग करें। देखिए कार्डिक स्टेंट बोलते हैं इनको। तो ये होती क्या है, ये काम क्या करती है, पहले एक बार ये देख लीजिए। मेडिकल डिवाइस है जो यूज करती है प्रिवेंट टू हार्ट अटैक जो आते हैं आदमियों को या औरतों को, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, आदमियों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो पुरुष और महिलाओं को जो भी हार्ट अटैक वगैरह आते हैं तो उसको सही करने के लिए मतलब उसका यूज किया जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन आराम से बना रहे और मिलियंस ऑफ लाइफ सेव की जाती है। अब थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, ये इस तरीके की स्टेंट होती है, ठीक है ना। मान लीजिए अगर कोई सर्कुलेट नहीं हो पा रहा है ब्लड का हार्ट में, तो इस तरीके से उसको लगा दिया जाता है जिसकी वजह से सर्कुलेशन आराम से बन जाता है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया, तो इस तरीके से उसको लगा दिया जाता है। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा आर्टरीज और वेंस के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा कि ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। यहाँ से हवा आती है प्योर ब्लड के थ्रू, फिर यहाँ से निकलता है, गंदा ब्लड निकलता है। तो ये फ्लो भी आप लोगों ने कैपिलरीज के थ्रू, ये सारी चीजें अपने साइंस में पढ़ी होगी, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था पीछे उस दिन जब हमने फरवरी में इस आर्टिकल को डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो लगभग 25th और 27th फरवरी में हमने आई थिंक इसको डिस्कस किया था आर्टिकल को, तो उसी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया है, अभी यहाँ पे जो स्टेंट के प्राइस है उनकी कैप लगा दी उन पे कि इससे ऊपर आप लोग नहीं इसको बेच पाएंगे, ठीक है ना। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइएगा किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। जो आप सोच रहे हैं ना उस मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आती है, ठीक है ना, किसी और मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। आप लोगों को बताना है किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, ठीक है। तो देखिएगा इसको किस मिनिस्ट्री के और किस डिपार्टमेंट के अंडर में आती है, तो वो आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या किया इन्होंने, लगभग 85% जो प्राइस है वो कम कर दिए हैं। जो 7,000 में बेची जा रही है, लगभग 7,623 रुपये में बेची जा रही है, वो 45,000 में बेची जाती थी। जो 31,000 में बेची जा रही है, ये स्टेंट के नाम है, मेडिकल टर्म्स है, जिसको BMS बोलते हैं और इसको DES बोलते हैं। तो ये अलग अलग वर्क करती हैं, इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये बेची जा रही थी लगभग 1.2 लाख रुपए में बेची जा रही थी, जो कि आज 31,000 में कर दी है। तो ये बोल रहे हैं जिस तरीके से प्राइस कैप कर दी गई है तो वो तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हो रही है। ये बोल रहे हैं कि फायदा नहीं होने वाला है, इससे नुकसान ज्यादा होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो बनाने वाले हैं उनको उनका खर्चा भी नहीं निकल पा रहा है इससे। ये बोल रहे हैं कि NPPA ने अभी लास्ट अभी अप्रैल में ही 2% फिर से जो कैप थी उसको बढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो इससे देखिए जो खर्चा है वो उनका भी खुद का नहीं निकल पा रहा है। तो इस तरीके से ये पर गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि लोगों का इतना पैसा सेव हो जाएगा, लगभग 4,450 करोड़ लोगों का पैसा सेव हो जाएगा। पर लेकिन उनका पैसा तो सेव हो जाएगा, ये आगे क्या बोल रहे हैं कि इस तरीके से अगर ये वर्क करेंगे तो सप्लाई प्रोड्यूस जो सप्लाई नहीं हो पाएगी वो, ठीक है ना। जो लोग खरीद के लेके आते हैं वो खरीद के लेके नहीं आ पाएंगे, जो लोग बनाते हैं मैन्युफैक्चर करते हैं वो मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे इसको। और इसी के तहत जो 3 इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने क्या किया है, यहाँ से अपना हाथ खींच लिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उनका नाम भी दे रखा था। देखिए नाम वगैरह इस तरीके की ज्यादा चीजें रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो मैं ओनली ऐसा नहीं है कि मैं कुछ छोड़ता हूँ आर्टिकल में, मैं ओनली वो चीज निकालता हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, फालतू की चीजें नहीं निकालता हूँ मैं, ठीक है। तो फालतू की चीजें छोड़ देता हूँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ वाली चीजें रखता हूँ बस यहाँ पे। तो जो इंटरनेशनल जो जो मैन्युफैक्चरर है उन्होंने भी हाथ खींचना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक तरीके से सिग्नल दे रहा है कि बैड मतलब हमारे यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था वो वर्क नहीं कर रहा है ढंग से, ठीक है ना। और अगर इस तरीके से देखिए आप लोग ज्यादा पैसों में मिल रहा तो चल जाएगा, अगर लोगों को मिलेगा ही नहीं तो फिर क्या होगा। तो इनका भी कंसर्न सही है, अगर उन्होंने बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये ऐसा देखने को भी मिला है अभी कुछ टाइम पहले कि लोगों तक चीजें पहुंच ही नहीं पा रही है, स्टेंट की कमी पड़ गई है मार्केट में। तो अगर लोगों को मिलेगा ही नहीं तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना इस तरीके की चीज करने का। तो ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि कम से कम उनको अवेलेबल तो कराओ, तो ये बात यहाँ पे इसको बोल रहे हैं, ठीक है ना। वो तो ये तो बाकी तो चीजें यूज जो होता है उसका, वो सारी चीजें हम लोगों ने पहले भी डिस्कस करी थी उस टाइम पे। मॉनिटर करेंगे एक्सपेंडिचर की किस तरीके से हो रहा है, रेगुलेट करेंगे उसको, पब्लिक के फायदे में होगा, तो वो सारी चीजें प्राइस और प्राइवेट की कैपिंग वैपिंग ये सब चीजें हमने तब भी डिस्कस कर ली थी। अभी जो ये बता रहे हैं कि जो आपने प्राइस की कैप करी है वो सही नहीं है, मार्केट में अवेलेबिलिटी खत्म हो जाएगी। अगर किसी के पास में पैसा नहीं है तो वो अरेंज कर लेता है, उधार करके ले आता है, उसको तो मिल जाती है, तो कम से कम आदमी की जान बच जाती है। अगर उसको मिलेगी ही नहीं, चाहे वो पैसा हो चाहे ना हो, मतलब ही नहीं है, तो फिर कितने आदमियों की, लाखों आदमियों की जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। ये था कंप्लीट। और देखिए कल संडे था तो उसकी वजह से, संडे की वजह से मतलब जो PIB है उसमें न्यूज आती वाती है नहीं ज्यादा कुछ संडे की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट के मैक्सिमम डिपार्टमेंट भी आप लोगों को पता है ऑफ रहते हैं, ठीक है। तो देखिए PDF यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और खासकर जो यार कल
लेक्चर डाला था इकोनॉमिक सर्वे का, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है ना। पीडीएफ आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसके अलावा अगर पसंद आता है तो यार इस लेक्चर को शेयर कर दिया कीजिए फेसबुक वगैरह पे, और उसके अलावा लाइक करिए कीजिए जिससे मुझे पता चल जाए कि लेक्चर सही है, और नहीं पसंद आता है तो उसको डिसलाइक भी कीजिए, मुझे पता चल जाए कि डिसलाइक किया आप लोगों ने। तो देखिए ये काम तो आप कर सकते हैं कम से कम इतना हल्का सा, और आगे तो बस यही है यार, चीजों को शेयर कीजिए और लोगों को पढ़ाइए जितना कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय।